हेलो गाइस, तो आज हम आ गए अपने एक्सपेरिमेंट पे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। जहाँ पहले हम लोग करते थे एक्सपेरिमेंट चाय दूध के साथ, तो इस पर हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट कुछ नई चीज़ों के साथ। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं कि क्या होगा जब पॉपकॉर्न और मैगी एक साथ बनाया जाए एक ही प्लेट में। तो ऐसा कभी किसी ने ट्राई किया नहीं होगा। एंड एज यू नो कि हमारा चैनल एक यूनिक यूनिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस एक्सपेरिमेंट को लाया है। तो अगर हमारे एक्सपेरिमेंट को देखो आपको मजा आए, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट और देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग पॉपकॉर्न और मैगी को एक साथ बनाते हैं एक प्लेट के अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी मैगी और चाउमिन को एक प्लेट में बनाने के लिए। तो हम लोगों ने पानी और डाल के गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। माफ़ी चाहूँगा कि जो क्या कहलाता है लाइटनिंग या कम है, क्योंकि मैंने कम कर रखा है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आपको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशन ये होगा कि ये परफॉर्मेंस और ये जो एक्सपेरिमेंट है किसी के सामने ना करें, नहीं तो लाचूपों की बारिश कर देगा, ठीक है। और सबसे बच बचा के करें ताकि आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो हमारा वेपर आने लगा है, तो फिर शुरू करते हैं मैगी बनाना, ठीक है। तो इसको हम लोग लेके सीधे डाल देते हैं, ठीक है। ये बनने के लिए गया, मैं आपको दिखाता हूँ आगे में क्या करते हैं, ठीक है। आई थिंक पानी और चाहिए थोड़ा सा, तो लेट्स टेक अ वाटर, गिव मी अ सेकेंड। अब मैगी बन रही है, तब तक हम लोग काम करके उसके मसाले को भी इसके अंदर मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद अपने इस पॉपकॉर्न को, किधर गया पॉपकॉर्न, इस पॉपकॉर्न को डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, इसको मैं आगे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे मसाला, मैं इसको सारा जो मैगी का मसाला है मैं इसको सारा डाल देता हूँ, ठीक है। सारा डल गया, ठीक है। फिर देखते हैं, यार चम्मच भी तो नहीं दिख रहा है, हाँ ये मिल गया। इसको मैं अकेले परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप घर वालों के सामने करोगे तो लात जूतों की बारिश होनी तय है मेरे दोस्त, तय है, ठीक है। तो मैगी जब तक बन रहा है तब तक हम अपने नूडल्स को भी इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये रहा नूडल्स और ये गया इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। ये जा रहा है नूडल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं एंड इनको भी हम लोग छोड़ देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो भी होगा बहुत धमाके, यस, लेट अस सी 2 मिनट बाद कि क्या होता है यहाँ। तो आफ्टर 2 मिनट हमारी बन चुकी है और देखते हैं क्या हुआ है। तो मैगी और पॉपकॉर्न एक साथ अगर मिलाया जाए तो पॉपकॉर्न नहीं बनता है। आप देख सकोगे कि ये जो है पॉपकॉर्न दाना बन के ऊपर आ गया। ये देख सकते हो कि पॉपकॉर्न जैसा था वैसा रह गया एंड हमारा मैगी बन के तैयार हो गया। पॉपकॉर्न प्लस मैगी, आपको पॉपकॉर्न भी नज़र आ रहा होगा और साथ में मैगी। ये देखिए छोटे छोटे दाने जो है वो पॉपकॉर्न के दाने हैं, पॉपकॉर्न प्लस मैगी। तो लेट्स टेस्ट की कैसा है। थोड़े पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा हो गए थे, थोड़े से पॉपकॉर्न ज़्यादा हो गए थे नंबर में, और इसीलिए मैं कुछ पॉपकॉर्न यहाँ पे छोड़ दिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हाँ इसके अंदर पॉपकॉर्न कुक हुआ था, ठीक है। तो ये हमको यहीं छोड़ देते हैं, चलो इसको इसके साथ ट्राई करते हैं। पॉपकॉर्न विथ पॉपकॉर्न विथ मैगी एंड लेट्स टेस्ट आउट कि कैसा है ये। अच्छा यार, बिल्कुल। तो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखा था कि कैसे हुआ था पॉपकॉर्न और मैगी का मिक्सचर एक साथ। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना पॉपकॉर्न को अलग बनाया जाए, मैगी को अलग बनाया जाए एंड देन टेस्ट किया जाए क्या होता है। तो उसके साथ चलते हैं फिर। यार देख लो मैं कितना तुम लोग के लिए अलग अलग कर रहा हूँ, अब तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। तो लेट्स ट्राई, ओके। तो मैं इसको डाल रहा हूँ इसके अंदर सारा का सारा, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में।
अभी आप देख सकते हो कि आवाज़ आ रही है, मेरे पॉपकॉर्न डाले हुए जस्ट एक मिनट भी नहीं हुआ और इधर से आवाज़ आने शुरू हो गई, और जब यही चीज़ मैंने मैगी के साथ किया था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये कि शायद अगर हम पॉपकॉर्न को किसी और चीज़ के साथ बनाएं तो वो उतनी अच्छी तरीके से कारीगर नहीं हो पाएगा जितने तरीके से वो अकेले काम कर सकता है। तो शायद ये इसका कंक्लूज़न हुआ इस पूरी वीडियो का या फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कि अगर तो वीडियो के अंत में मैं यही बताना चाहूँगा गाइस कि देखो ये जो हमने शुरू बनाया था जिसमें उतने तरीके से पॉपकॉर्न नहीं बना था उसको मैंने खा लिया एंड इट वॉज जस्ट रियली 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 अमेजिंग, ठीक है। और जिससे पॉपकॉर्न है उसको मैंने अलग कुक किया था, ठीक है। एंड एक ये है जो हमने दूसरी मैगी के साथ बनाया था और अब इसको टेस्ट करेंगे। लेट अस टेस्ट वन बाय वन की क्या हुआ, वो तो मैंने आपको टेस्ट करके बता दिया जो ये ख़त्म हो चुका है ना, अब इसकी बारी है, ठीक है। लेट अस सी। अच्छा यार मैं मास्टर से मैं जा सकता हूँ अभी भी, चांस है। तो अब देखते हैं कि इसको टेस्ट करके कैसा लगता है जब हमारे पास मैगी और पॉपकॉर्न एक साथ। लेट अस टेस्ट एंड जस्ट टेल, लेट मी टेल यू। अमेजिंग है यार, सही बता रहा हूँ, बहुत सही है। तो कैसा लगा एक्सपेरिमेंट आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके मन में कुछ भी ऐसा है जो हमें ट्राई करना चाहिए प्लीज़ टू कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल यार मन हो तो।